हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ट्यूब रोहित। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री के जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हर परीक्षा, हर टेस्ट और हर क्विज में लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए और साथ ही घंटे का बटन दबा दीजिए, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर। प्रश्न नंबर एक, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? नंबर एक 1830 ईस्वी में, नंबर दो 1852 ईस्वी में, नंबर तीन 1856 ईस्वी में, नंबर चार 1860 ईस्वी में। दोस्तों इसका उत्तर के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं सोचने के लिए, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही जवाब है 1856 ईस्वी। प्रश्न नंबर दो, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया? नंबर एक मोहम्मद गोरी और जय सिंह, नंबर दो मोहम्मद गोरी और अजय पाल, नंबर तीन मोहम्मद गोरी और भीम, नंबर चार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको सोचना है तो, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न नंबर तीन, किस अवधि में महाभारत और रामायण की रचना हुई थी? नंबर एक आर्य अवधि में, नंबर दो सिंधु अवधि में, नंबर तीन द्रविड अवधि में, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है आर्य अवधि में। प्रश्न नंबर चार, इंग्लैंड में महायुद्ध कितने सालों तक चला था? नंबर एक 3 वर्ष तक, नंबर दो 7 वर्ष तक, नंबर तीन 1 वर्ष तक, नंबर चार 5 वर्ष तक। दोस्तों सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या रोक सकते हैं, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है 7 वर्ष तक। प्रश्न नंबर पांच, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? नंबर एक समुद्रगुप्त, नंबर दो हर्षवर्धन, नंबर तीन ब्रह्मगुप्त, नंबर चार चंद्रगुप्त। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरीके से सोच सकें, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको दूंगा। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर छह, आर्य भारत में कहां से आए थे? नंबर एक पूर्व एशिया, नंबर दो उत्तर एशिया, नंबर तीन दक्षिण एशिया, नंबर चार केंद्रीय एशिया। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है केंद्रीय एशिया। प्रश्न नंबर सात, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अप्लाई थी? नंबर एक 1872 ईस्वी के बाद, नंबर दो 1876 ईस्वी के बाद, नंबर तीन 1800 ईस्वी के बाद, नंबर चार 1858 ईस्वी के बाद। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप सही उत्तर सोच सकें, नहीं तो इसका उत्तर मैं दूंगा। इसका सही उत्तर है 1858 ईस्वी के बाद। प्रश्न नंबर आठ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? नंबर एक राखल दास बनर्जी, नंबर दो एम वत्स, नंबर तीन दयाराम साहनी, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ताकि आपको इसका सही उत्तर गैस कर सकें, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर नौ, बंगाल की मुगल साम्राज्य से अलग कर
स्वतंत्र किया था? किसने किया था दोस्तों? सयादत खां नंबर एक, नंबर दो मुर्शिद कुली खां, नंबर तीन सरफराज खां, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। प्रश्न नंबर 10, वह शासक कौन थे जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो दोस्तों नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 हर्षवर्धन, नंबर 3 बिंदुसार, नंबर 4 अशोक। सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि आपको सही उत्तर का गैस मिल सके दोस्तों, इससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। नहीं तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर? अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ये लिखना ना भूलें ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों जो आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा। धन्यवाद दोस्तों।